सिद्धांत औरतों को सिर्फ घर के काम और बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र ही समझता था। एक बार रिद्धि कहती है, देखिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे करना ही क्या पड़ता है तुम्हें काम जो नहीं कर पाओगी, एक बेबी ही तो होने वाला है तुमको। हाँ हाँ जानती हूँ मैं कि बेबी होने वाला है, पर मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ आप जानते हैं। अरे यार, पूरी दुनिया हर एक कंट्री में बच्चा पैदा होता है, लेकिन ऐसा तमाशा तो कोई औरत नहीं करती जैसा तुम करती हो। रिद्धि करती भी तो क्या, पति को कैसे समझाए कि हर औरत की जिंदगी में ये दौर उसके पति से ज्यादा प्यार, ज्यादा अपनेपन की मांग करता है। अगली सुबह, अरे रिद्धि खाना तैयार हो गया क्या? एक काम करना, गर्म पानी की बाल्टी मेरे वॉशरूम में रख देना। कैसी बात कर रहे हो, डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना भारी चीजें उठाने के लिए। अरे ये सारी बातें डॉक्टर ऐसे ही पैसा कमाने के लिए करते हैं, मेरी माँ तो पूरे खेत की जुताई करती थी जब मैं होने वाला था, अब देखो कितना मजबूत पैदा हुआ हूँ मैं। रिद्धि को अब इन बातों की आदत हो जाती है और वो पति के कहने पर बाल्टी उठा तो लेती है, लेकिन दोपहर तक, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? हाँ माँ, मैंने गर्म पानी की बाल्टी उठाई थी। माँ को रिद्धि की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत सुनाती है। अरे बेटा, इतनी अकल तो जानवर को भी होती है कि गर्भावस्था के बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रिद्धि कहती भी तो क्या, शाम को जब सिद्धांत घर आता है तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। आज की रात आप लोगों को यहीं अस्पताल में रुकना पड़ेगा, सुबह तक ही अब हम लोग कंडीशन ठीक कर पाएंगे। बस फिर क्या था, रात के अस्पताल में सिद्धांत सो तो जाता है लेकिन पूरी तरह नहीं, सपने में। अरे डॉक्टर साहब, आपने मुझे अस्पताल में क्यों रोका आज? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन आज तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसलिए। सिद्धांत को सोते सोते ही फील होता है कि उसके अंदर कोई अंश है जो जी रहा है। अरे ये पेट में गुदगुदी क्यों लग रही है? तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। अरे यार, क्या सारा दिन ही करते रहते हो, ऑफिस जाओ, काम करो। अरे यार, मैं बस में सफर नहीं कर सकता, झटके लगते हैं तो डर लगता है कि कहीं बच्चा। बच्चा? क्या बच्चा? अरे जब मैं मेरी माँ के पेट में थी ना, तब वो ऊंची ऊंची पहाड़ी में पानी भर कर ले जाती थी, देखो कितनी स्ट्रांग हूँ मैं आज। पति को रिद्धि की बात पर गुस्सा आता है और वो सीधा अपने पिता को फोन करता है। देखिए ना पिताजी, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से बीवी कोई केयर ही नहीं करती, ना ही ख्याल रखती है, ऊपर से ज्यादा काम बता देती है। अरे बेटा, इन महिलाओं को बच्चा पैदा करना पड़े ना, तब पता चले कि कैसे खुद के अंदर एक जीव को पालना मुश्किल होता है। अगर अपने बाप से फुर्सत मिल गई हो तो ऊपर छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ले आइए। सिद्धांत सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है और हांफने लगता है। हे भगवान, लग रहा है कि बच्चा अभी हो जाएगा। रिद्धि, रिद्धि, क्या हो गया? छत पर अमेरिका का प्लेन देख लिया क्या, जो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हो? रिद्धि, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सीढ़ियां चढ़ने को मत बोला करो। अरे यार, नाटक शुरू इनका, जब देखो तब बहाना, बच्चा ही तो होने वाला है, कौन सा संसद से देश का बजट पेश करने वाले हो जो इतना घबरा रहे हो? अरे यार, कौन समझाए तुमको, मुझे घर जाना है। अब नीचे भी आ जाओ या ऊपर से कूद कर घर चले जाओगे? सुनो, आज शाम को जल्दी से आ जाना, मुझे ना गोल गप्पे खाने का मन है। एक तो पता नहीं तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, अरे दुनिया जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है और बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन तुम, खैर अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो कैसे जल्दी आऊं? अरे यार, कैसे जॉब करता, सारा दिन तो नींद आती रहती है, मछली लगती है और उल्टी। छी छी छी, फालतू की बात मत करो। अरे खुद को पेट में 10 किलो का पत्थर बांध कर काम करना पड़े ना, तब पता चलेगा। अरे यार, तुम तो ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, दुनिया भर में सबके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन नखरे तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र इंसान हो जो बच्चा पैदा कर रहा है।
सिद्धांत को वो सारे पेन, वो सारी परेशानियां होती है जो एक गर्भवती महिला महसूस करती है। एक दिन पड़ोस का आदमी, अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि बच्चा नॉर्मल हो गया। साइंस के अनुसार एक बच्चे को पैदा करने का दर्द उतना ही होता है जितना हड्डी के टूटने का। हे भगवान, मैं ये दर्द कैसे सहूंगा, मुझे तो छोटी सी चोट से भी डर लगता है। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। अरे कैसी बात कर रहे हो, तभी तो कह रही हूँ खूब शारीरिक काम करो, तभी तो जाकर बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। और इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि मेरे नहाने के पानी की बाल्टी को वॉशरूम में रख दिया करो। सिद्धांत बेचारा करता भी तो क्या, जब बीवी समझने को राजी ही नहीं। सिद्धांत पानी की बाल्टी उठाकर जैसे ही वॉशरूम में रखता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मर गया रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, भगवान मेरा बच्चा तो ठीक है ना। सिद्धांत रोने लगता है कि तभी वहां नर्स आ जाती है। ए, रो क्यों रहे हो, तुम्हारा बच्चा ठीक है? भला कोई आदमी प्रेगनेंसी में अपनी बीवी से बाल्टी उठवाता है क्या? सिद्धांत की नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो तो सपना ही था। वो भागकर रिद्धि के कमरे में जाता है। रिद्धि, रिद्धि मुझे माफ कर दे, पति होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूं। घर चलो, अब मैं आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं समझ चुका हूँ कि बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं।